सड़कों पर पुलिस का भारी बंदोबस्त, जगह जगह बैरिकेडिंग और आती जाती गाड़ियों की चेकिंग। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त बशीरहाट इलाके की हैं। यहां कल दोबारा हिंसा भड़कने के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। इसी बीच आज 3 सदस्यों वाली प्रतिनिधि मंडल को लेकर बीजेपी नेता रूपा गांगुली बशीरहाट के हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरे पर निकली तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। हम लोग बाहर से सीधा आ रहे हैं, आप लोग बैरिकेड करके हमको रोक दिए हैं। कैसे भी रास्ते में बीजेपी बीच में रास्ता रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? ऐसा कैसे? उसका कॉपी हमारे पास, यहाँ का उसका कॉपी आपका पास है, बशीरहाट का बात है। चीफ मिनिस्टर कुछ छुपाना चाहता है। बशीरहाट में जिस ढंग से माइनॉरिटी लोग मेजोरिटी के ऊपर अत्याचार किया, जिस ढंग से लूट हुआ, सरकार का पुलिस का सामने जनता के ऊपर जैसे प्रहार हुआ, इतना सारे जनता घर से बाहर है, ये सारे तथ्य बीजेपी के हाथ में आ जाएगा, उजागर हो जाएगा समाज में। और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस और चीफ मिनिस्टर चाहते हैं बशीरहाट में कोई ना पहुंचे। अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व वाले कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल और सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम के नेतृत्व वाले लेफ्ट प्रतिनिधि मंडल को भी बशीरहाट नहीं जाने दिया गया। बशीरहाट में एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा इंटरनेट सेवा भी बंद है। आपको बता दें कि आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के बाद सुलग रहे बशीरहाट इलाके में कल फिर हिंसा भड़क उठी। बीएसएफ टुकड़ी की तैनाती के बावजूद उपद्रवियों ने जमकर हंगामा और पुलिस पर पथराव किया। हंगामा तब मचा जब एक दिन पहले हुई हिंसा में घायल युवक कार्तिक घोष की मौत की खबर अस्पताल से आई। बीजेपी ने कार्तिक को अपना कार्यकर्ता बताया है और ये आरोप लगाया है कि टीएमसी विधायक दीपेंदु विश्वास के इशारे पर पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ तलाशी अभियान चला रही है और उन्हें चुन चुन कर हिरासत में लिया जा रहा है। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने भी नए सिरे से ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं जो कहना था कह दिया, आई वांट कि पीस शुड बी रेस्टोर्ड, लॉ एंड ऑर्डर शुड बी रेस्टोर्ड एंड आई एम हैप्पी दैट दिस स्टेप्स आर बीइंग टेकन इन दैट डायरेक्शन। ममता सरकार ने अभी तक सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्ट भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं भेजी है जो उससे मांगी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र से भेजी गई अर्धसैनिक बलों की 4 अतिरिक्त कंपनियों को भी लेने से इनकार कर दिया है। फिलहाल उत्तरी 24 परगना जिले का बशीरहाट बीएसएफ के हवाले है जो इलाके में शांति बहाल करने की कोशिश कर रहा है। बशीरहाट से प्रकाश सेना की रिपोर्ट।